गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर क्लास 5 इंग्लिश ग्रामर। सो टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द सेंटेंस इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस जो होता है, शब्दों का समूह जो कंप्लीट सेंस को डेवलप करता है यानी देता है। लुक एट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पर हम लोग नीचे कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आप देख सकते हैं। हरी लव्स मैंगोज, ही डाउन फेल, द टीचर्स आर वर्किंग हार्ड, द फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस, एंड लास्ट ई में दिया हुआ है नीड आई मिल्क। तो स्टूडेंट्स, यहाँ आप देख सकते हो ऑफ द एबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी 1, 3 और 4। वन आपका दिया हुआ था हरी लव्स मैंगोज, 3 में दिया हुआ है द टीचर्स आर वर्किंग हार्ड, एंड 4 में द फॉक्स जम्प्ड ओवर द फेंस एज दे मेक कंप्लीट सेंस। ये तीनों सेंटेंसेस कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस करता है। सो वी शुड रिमेंबर 3 थिंग्स अबाउट अ सेंटेंस। 3 चीज हम लोग याद रखें सेंटेंस के बारे में। फर्स्ट, द सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से। 2 में दिया हुआ है इट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप, और हमेशा फुल स्टॉप से समाप्त होता है जिसको हम लोग हिंदी में पूर्ण विराम कहते हैं, या फिर वहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है या फिर एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग। 3 में दिया हुआ है द वर्ड्स इन ए सेंटेंस शुड बी प्लेस्ड इन ए प्रॉपर ऑर्डर टू मेक कंप्लीट सेंस, यानी सेंटेंस में शब्दों को सही तरीके से रखा जाना चाहिए ताकि वह अर्थ को एक्सप्रेस कर सकें, यानी कंप्लीट सेंस को एक्सप्रेस कर सकें। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है रीराइट द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज सेंटेंसेस। यहाँ सॉल्व किया हुआ है, फर्स्ट यहाँ इज अ स्कूल, हाउ फार योर, यहाँ पर आपको प्रॉपर ढंग से आपको प्लेस करना है। करेक्ट इज हाउ फार इज योर स्कूल, यहाँ पर जो सही आंसर है कि हाउ फार इज योर स्कूल, आपका स्कूल कितना दूर है। सेकेंड, आप देख सकते हैं ऑल्सो कैन इन मनु स्पीक जर्मन, करेक्ट आंसर इज, करेक्ट दिया हुआ है सेंटेंस को, सेंटेंस करेक्ट करके दिया हुआ है मनु कैन ऑल्सो स्पीक इन जर्मन। थर्ड में देख सकते हो ए ऑल दिज मेक ऑफ लिस्ट बुक्स, तो करेक्ट जो होगा मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल दिज बुक्स। इसके बाद डी में है क्लास डू द नोट डिस्टर्ब, यानी डू नोट डिस्टर्ब द क्लास, एंड फाइनली ई में दिया हुआ है प्लेस द प्रिंसेस एंड अलादीन लिव्ड इन द, यानी करेक्ट इसको सही करके दिया गया है अलादीन एंड प्रिंसेस लिव्ड इन द
प्लेस. सो स्टूडेंट्स, इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे और बताऊंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.